24, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया और मैं हूं निखत शेख। खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ने वाले भाजपा के 13 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र ने पार्टी से 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश। कोई भी अस्पताल मरीज को नहीं करेगा वापस। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्च करेगी राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री, निष्कासन और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कसिया पुलिस टीम और स्वाट की संयुक्त टीम ने शिवपुर बुजुर्ग के पास से एक अभियुक्त राजा जायसवाल पुत्र स्वर्गीय देवेंद्र जायसवाल निवासी शिवपुर बुजुर्ग को किया गिरफ्तार। मौके से 58 सीसी अंग्रेजी ब्लैक एंड व्हाइट शराब, 35 सीसी लैला देसी शराब और एक प्लास्टिक के जरके में 10 लीटर अप्रसूत शराब और एक पोटली में नौशादन किया बरामद। अभियुक्त पंजीकृत कर भेजा गया। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिंद्र पटेल के आदेश के क्रम में आगामी पंचायत चुनाव COVID-19 के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर के समस्त प्रभारी निरीक्षक व थाना अध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में सतर्कता दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया। पैदल गश्त के दौरान चौराहों, मार्केट, भीड़ भाड़ वाली जगहों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों व वस्तुओं की गहनता से की गई चेकिंग का मिशन शक्ति जागरूकता अभियान COVID-19 के दृष्टिगत लोगों को किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने त्रिस्तरीय पंचायत हेतु रवाना हो रही पोलिंग पार्टियों का निरीक्षण किया एवं दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार के बिथान में उपभोक्ताओं ने BDS दुकानदार पर 4 माह का राशन हड़पने का लगाया आरोप, किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के बगहा में जन वितरण प्रणाली दुकानदार अपहरण मामले में पत्नी ने कराई है आधा दर्जन लोगों पर नदी थाना में प्राथमिकी दर्ज। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगहा द्वारा टीम गठित कर की जा रही छापेमारी। मामले के जल्द उद्भेदन में ड्यूटी पुलिस। बिहार के सिवान में निर्माणाधीन डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के लिए चयनित स्थल का DM ने किया निरीक्षण। अगले सप्ताह शुरू होगा सेंटर। 100 बेड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का हो रहा निर्माण। खबरें फटाफट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।